सो हे गाइस, प्रोबेबली ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और ये चैनल सिंपली अगर आप लोग पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचा होगा किस लिए खोला है। सो गाइस, मैंने ये चैनल खोला है जस्ट में कि मैंने देखा कि बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट एक एक करके बताता हूँ आपको। मैंने देखा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर हैं जो हिंदी लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बोर्डम या फिर लोनलीनेस, मतलब अलोन, अकेला आपको व्लॉग दिखाता हो। सो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बट अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, फिर कोई भी, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ में आपकी कोई बहुत बड़ी फैमिली होनी चाहिए जिसे आप अपने व्लॉग्स में दिखा सकें, और कोई ऐसा भाई या बहन या फिर होना चाहिए, या फिर आपका ऐसा पर्सनल दोस्त होना चाहिए जो आपका व्लॉग या फिर वीडियो की शान बढ़ाए। बट मैंने भी बहुत ऐसा सोचा, और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं 3-4 साल से बहुत सारे कंटेंट्स बनाने में लगा हुआ हूँ और बाकी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फिर सोचा कि गाइस, अकेले भी व्लॉग बनाया जा सकता है और मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ और आप लोग भी अपनी बातें मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और जी हाँ, उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या बातें हुई। कि मैंने पहले आपको बताई कि एक रीज़न है कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप भी बना सकते हैं बिना किसी कोई मतलब मेन एक साइड ऑप्शन रख करके। सो आप खुद अकेले भी बातें कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी इस जर्नी को लेकर करूँगा। मुझे नहीं पता मेरा मन कब बदल जाएगा और मैं बनाना बंद कर दूँगा, बट हाँ, मैं 100% ये कोशिश करूँगा कि मैं ये जो व्लॉग्स हैं या फिर ये जो वीडियोस हैं या एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का हो गया वो मैं लाते रहूँ और अपने बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ और एक कनेक्शन बनाऊँ आप लोगों के बीच, हमारे बीच, जिससे कि आप अगर वहाँ पास अलोन है इस सिचुएशन में तो आप कनेक्ट कर सकें। बट मुझे पता है आप लोग बहुत सारे ऐसे व्लॉगर या फिर यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो कि सिंगल वीडियो भी बनाते हैं और बहुत लोगों के साथ भी वीडियो बनाते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखते होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग वगैरह, तो आप देखते होंगे कि उनकी फैमिली के साथ बहुत जन लोग रहते हैं और वो हंसी खुशी रहते हैं। बट आप लोग भी, कई लोग ये सोचते होंगे कि मेरी कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा भाई बहन या फिर स्पेसिफिक नहीं है जो आपके साथ रहे, आपके साथ बातें करे या फिर कुछ अच्छे से हंसी मजाक करे या फिर रहे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं यार कि यहाँ पर कोई भी आपको अपने इंटरनल हैप्पीनेस के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अलोन रहकर भी खुश रह सकते हो, और अगर आप अलोन रहकर खुश रह सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी मिनिमम मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 या 7 ईयर्स हो चुके हैं मैं ज़्यादातर अपना लाइफ अलोन स्पेंड करता हूँ, अकेला अपने काम करता हूँ, पढ़ता लिखता अकेला हूँ, और साथ में उसके बाद मैं जो भी चीज़ करता हूँ अकेला ही करता हूँ। ज़्यादातर मेरे साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो मुझे ऐसा लगा कि अकेले काम करने में मतलब थोड़ा बहुत वो है, मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं बचपन में खेला करते थे हम साथ में, और जो भी भाई बहन हम लोग खेला करते थे वो याद आता था कि वो वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी अकेले रहने के बजाय। बट जब मैं अकेले रहते गया, मैंने बुक्स पढ़ना चालू किए, और मैं स्कूल के बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग बुक्स की बात, जिसके अंदर मेरा मतलब दिमाग जाने लगा और मैं उन्हें समझने लगा। बुक के अंदर मैं घुसते गया, पता ही नहीं चलता था कब टाइम हो जाता था। और अगर आप भी ऐसे बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कब टाइम हो गया। मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देखता था, बुक्स पढ़ता था, और मैं भी ये कोशिश करता था कि मैं कनेक्टेड रहूं। यूट्यूब में मैं तब उन लोगों की वीडियोस देखता था जिनकी वीडियोस आप देखते हो। मैं अभी भी ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूं जिनकी वीडियोस आप देखते हो। आने वाली वीडियोस में बताएंगे कौन है वो यूट्यूबर्स और क्या मैं फील करता हूं उनके बारे में। बट अब चलिए सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड बात ये है कि मैंने अपने लाइफ स्पैन में, मैं अभी 19 साल का हूं, और इतने 19 साल में मैं आपको बता दूं कि मैं 3 या 4 साल से कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ और बहुत सारे काम मैं कर रहा हूँ। बट इसी बीच में एक ऐसा दौर आता है सब लोग को, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और इंडिया में मुझे लगता है कि सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है आप लोगों की या हम लोगों की, मैं बोल दूँ तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करके बच्चा पैसा कमाने लग जाए। सो बस यही प्रायोरिटी मेरे अंदर भी आ गई थी, मुझे बस ये था कहीं से कि पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाया जाए। सो अब आपको पता ही है, जैसा कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमा सके, सो ऑनलाइन मैं आपको बता दूँ कि मैं हमारे घर में ही आपको बता दूँ कि यूट्यूब का है थोड़ा क्रेज़ है, और
मैं आपको सिंपली बता दूं कि मेरे मामा जो है वो यूट्यूब में 2010 से वीडियोस डालते हैं। मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में हम ये सब बातें करेंगे। सो बहुत सारी बातें मैं बचा रहा हूँ आने वाले वीडियोस के लिए। सो अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक टॉपिक फर्स्ट वीडियो मेरा, थोड़ी बहुत आपको कनेक्ट कर देता हूँ मेरे से। सो बस यही है। सो मैं भी उस समय से उनको देखता था, उन्होंने ही मुझे बताया कि वीडियो डाल सकता है या फिर तू अकेला रहता है। तो ये कुछ उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम, मतलब आगे जाकर कुछ अगर इसमें हुआ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, वैसी कुछ बातें बताएं, मुझे याद नहीं अच्छे तरीके से। सो मैंने भी वीडियोस वगैरह डालना चालू की, यूट्यूब ही मैं पहले करना चालू किया, बाद में बहुत सारी अलग चीज़ें चालू की जो आने वाले समय में बताऊँगा कि क्या किया करता हूँ मैं और कितनी मेरी इनकम वगैरह है जो भी है। और हाँ, अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक में आईटी कर रहा हूँ मैं, और सेकंड सेम अभी मेरा चालू ही हुआ है जस्ट। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हाँ, अब मैं बात कर रहा था पैसे की, जो प्रायोरिटी होती है मिडिल क्लास फैमिली वालों की। सो पैसा मैंने बहुत कमा लिया, यस गाइस, पैसा मैंने कमाया, मतलब इतना कमाया जितनी मुझे को ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा पैसा मैंने अर्न किया। और बाद में जब अभी कोरोना का टाइम आया तो पैसा तो था मेरे पास, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसा मैंने कमा लिया, मैं करूँ क्या। वो पैसा मैंने कमाया, जैसे कि आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तू पैसा कमाया गया, तू पैसा कमाने लगेगी या लगेगा, तो तेरे को पता चलेगा कि कितना महत्व होता है उस पैसे का, एक एक रुपए कमाने का कितना टाइम लगता है। सो वो बात भी सही है, बट ये कमाने के बाद मैं फालतू चीज़ों पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, जैसे कि महंगे प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़कर उन नॉर्मल प्रोडक्ट से भी अगर काम चल जाता है तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही सही है। मुझे ऐसा लगा पैसा कमाया जब मैंने अपनी खुद से अपने दम पे। और इसके बाद मैं बता दूँ और उस पैसे को मैं क्या करूँ, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। पैसे तो आ रहे थे मेरे पास, जितने थे उससे बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे। सो ये पैसे इतने ज़्यादा थे कि ये पैसे का कोई महत्व ही नहीं आ रहा था मेरे को, मतलब समझ नहीं आ रहा था इस पैसे को करूँ क्या। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी लाइफ को जब मैं पैसे नहीं कमा रहा था उस समय और जब मैं पैसे कमाने लगा उस समय, तो ये जो दोनों समय है, ये दोनों समय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। बस बात ये मुझे लगी कि मेरे बैंक बैलेंस में पैसे बढ़ गए बस, और इसमें कोई लेना देना नहीं था। खाना मुझे मिलता है दो टाइम का, या जो भी तीन टाइम या चार टाइम नाश्ता खाना मिलाकर बोलें, वो नॉर्मल खाना वो जब पहले मिलता था वो सेम अभी भी मिलता है, और दोनों में कोई अंतर नहीं लगा। बट बात यहाँ पर करें, फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसेस भी रन करता हूँ। सो इनकम पैसिव इनकम है, आती है। बट अगर मैं आपको बता दूँ, सिंपली मुझे ये करना था, मैं बहुत सारे ऐसे भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं अपने आप से, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी वर्ड थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी आप बोल सकते हैं उस वर्ड को। सो ये जो वर्ड है, सो यहाँ पर सिंपली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सिंपली उधर उधर से करके मैंने जो एक वर्ड निकाला कि हुआ यम वाला क्वेश्चन, और हम इस धरती पे क्यों हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा अपने माइंड में एक बार। सो वो सब क्वेश्चन की मैंने अपने आप से, और वो सब क्वेश्चन करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि बट एक टाइम आपको जाना है। जी हाँ, लाइफ का एंड है डेथ, और वो तो एक रियलिटी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। सब इस रियलिटी जो है उसे, उसके बीच में जो हमको लाइफ टाइम मिला है उसको हम कैसे यूज़ करें। और ये लाइफ टाइम मैं सिर्फ अपने लिए या फिर अपने कुछ खास परिवार वालों के लिए बिताकर, ऐसे ही पैसा कमा करके उन्हें ऐसो आराम की चीज़ें देकर वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया बढ़े, वर्ल्ड बढ़े, और मैं अगर आया हूँ तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। और यस, इसीलिए मैंने ये फैक्टर भी है कि ये चैनल खोला। मैं भी उस समय से निकल चुका हूँ जब मैं लोनलीनेस रहता था। जी हाँ, डिप्रेशन का शिकार मैं भी हुआ हूँ, और कुछ कुछ बातें हैं जो कोई ना कोई बोल देता है तो हमारे दिल को भी लगती है, सेम मुझे भी लगती है। और ये सब बातें जो आप लोग महसूस करते हैं, आप लोग फील कर सकते हैं, वो सब मैं भी फील करता हूँ। और मैंने सोचा कि जिस तरह से मैं जब डिप्रेस था तो मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अकेला रहता था, बुक पढ़ता था, वीडियोस देखता था, सो कुछ टाइम के लिए तो मैं अपने आप को वीडियोस देखकर या बुक पढ़कर अलग कर लेता था। बट कुछ डिप्रेशन ऐसे भी होते हैं कि मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाता था। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि सुसाइडल थॉट्स आपको भी आते होंगे, तो वो थॉट्स मुझे भी आते थे।
बट ये सब मैंने फिर सोचा, सोचने के बाद मुझे ये लगा कि कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करता हो। सो मैंने सोचा कि एक ऐसा आप लोगों के लिए चैनल बनाया जाए। मैं YouTube में कंटेंट क्रिएशन का काम करता ही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, और अगर कोई लोग ऐसे हैं तो आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर पाऊँ, और इस वैल्यू ऐड करने से ये होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे ये सोचने का मकसद है। और आप एक कनेक्शन फील कर पाएंगे मुझसे कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। इस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि आप उतने सारे लोग सेम हो, आप उतने कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरे से, बस यही है। सो ये कुछ रीजंस थे, अभी और कुछ रीजंस होंगे तो मैं वो रीजंस भूल गया हूँ, और देखते हैं गाइस बाद में आपके कमेंट्स पढ़ के मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस क्या बनानी है। सो आपकी कम्युनिटी अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। सो बस इतनी ही बातें। ये फर्स्ट वीडियो था मेरा YouTube में इस चैनल का, मैंने वीडियो अभी रिकॉर्ड कर लिया है, ईमेल वगैरह नहीं बनाया। अभी मैं सोचूंगा कि क्या नाम रखना है चैनल का और क्या ईमेल बनाना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, चैनल क्रिएट करूंगा। सो वीडियो वैसे भी 11 मिनट की हो गई है, अनकट वीडियो है ये, एक रॉ वीडियो आप बोल सकते हैं। हाँ, वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि एक म्यूज़िक लगा दूं बैकग्राउंड का। सो आने वाले समय में आप लोगों को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या चीज़ें करता हूँ, मैं कैसे अर्न करता हूँ, ये सब मैं आपको बातें बताऊँगा। बस उस तरीके से नहीं बताऊँगा जिस तरह से कुछ स्कैमर्स बताते हैं और जो लोग आपको ठगते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको कोई चीज़ भेजने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। सो लिटरली बस ये एक व्लॉग बोली या डॉक्यूमेंट्री आप बोल सकते हैं वो थी। सो चलिए आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि घर में ना रह कर मैं बाहर भी निकलूँ, बाहर निकल के टाइम स्पेंड करूँ, और इंडिया से बाहर ट्रैवल भी करूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊँ जगह कैसी है। और चलिए अब आगे देखते हैं, जो जो प्लान बनेगा हम, मतलब मैं अकेला हूँ और नहीं पता हम क्यों निकलते हैं, हम वर्ड निकल जाता है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ। तो सो चलिए मैं अकेला आप लोगों के लिए जो भी चीज़ बनेगा वो लाता रहूँगा, और बाकी बातें बहुत ज़्यादा मैं बकबक कर दिया लग रहा है थोड़ी देर अभी लास्ट में। सो ये सब बात अभी कट करते हैं सीधा, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, और हमेशा हैप्पी रहना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, और बाकी बातें बाद में बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।